पहले स्पिन में हमने जीत लिए 1012 रुपये, अगेन करते हैं स्पिन, तो सेकंड स्पिन में हमने जीते हैं 637, तो 637 रुपये हमने जीत लिए हैं। थर्ड स्पिन करते हैं, थर्ड स्पिन पे हमने जीते 440 रुपये, अगेन करते हैं एक बार, तो अगेन से 440 रुपये, तो लास्ट बार करते हैं एक बार कितने रुपये जीतते हैं, देखते हैं इस बार। और ये हमने 2100 रुपये यहाँ पे जीत लिए हैं। तो गाइज आपने देखा 20 सेकंड के अंदर मैंने बहुत सारे पैसे यहाँ पे अर्न कर लिए। अगर न्यूज़ के अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों आज इंट्रो आउट्रो बहुत छोटे हैं, हम आपको ज्यादा लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस आपको दिल से एक ही बात बोलेंगे, इस वीडियो पर 30K लाइक्स और 300,000 व्यूज का टारगेट है, उसको कंप्लीट करवा कर हमें सपोर्ट करें। पिछले वीडियो में आपने देखा था गब्बर और टेरर पुलिस बनकर जोकर को पकड़ते हैं और उनके बीच में बातचीत होती है और वो आपस में डील करके बात निपटा लेते हैं। टेरर उसके हथियार खुद ले लेता है और आगे उसको कोई प्लान बताता है जो आगे देखेंगे क्या था। उस तरफ फेरो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी अभी न्यू आर्मी थी और उसको उसे टेस्ट भी करना था कि वो गुंडे कैसे बनेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होगा, क्या करेगा फेरो। और कालादी गैंगस्टर किंग के तो अलग ही नशे चल रहे थे, बेचारों को हथियार भी नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि उनको थोड़ी पता था जोकर ने टेरर के साथ मिलकर किंग को चुना लगा दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आप सभी ग्लॉक गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सीट बेल्ट पहन लो, हमारी वीडियो उड़ान भरने वाली है, तो चलो वीडियो में। अरे इंस्पेक्टर कहाँ हो सबके सब, पूरा पुलिस स्टेशन खाली पड़ा है आज तो। हाँ हाँ बोल, क्या दिक्कत हो गई तेरे को समुराई तू? हाँ मैं। अरे समुराई तू तो बैंक में था ना, यहाँ पुलिस स्टेशन किसको छुड़ाने आए हैं आज, कोई नया बकरा मिल गया क्या? तेरे को पता है तू एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ा रहा है, इसके लिए तेरे को मैं अंदर भी करवा सकता हूँ। क्या तू और सीनियर पुलिस ऑफिसर? अरे मैनेजर साहब क्या गांजा वांजा पिए थे क्या रात को, जिसका नशा अभी तक नहीं उतरा? तेरी तरह नशेड़ी नहीं हूँ मैं। तूने क्या सोचा था तू डायमंड वुमन को पुलिस से मरवा कर यहाँ पे आराम से रहेगा? बेटा उसी दिन मैंने मैनेजर की नौकरी छोड़ी और पुलिस में भर्ती हो गया, तो अब मैं पबजी पुलिस को ट्रेन करूँगा कि तेरे जैसे लल्लू पंजू गुंडे से ना हार पाए। वाह भाई वाह, नौकरी की भाई लक लक बताइया, पार्टी कब दे रहा है फिर? अब तो दुगनी खुशी हो गई तेरे को। मतलब क्या है तेरा? देख भाई पुलिस इंस्पेक्टर की और साथ में तेरी वो डायमंड वुमन की भी, वो भी तो हट गई ना रास्ते से, अब पूरा मिरामर तेरा। सो तो सही है, पर तेरे को ये जानकर खुशी नहीं होगी कि मैंने मिरामार पहले से ही किसी को सौंप दिया है, जल्दी ही तेरी मुलाकात होगी उससे। चल ये तो बात की बात बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बता कि तेरा कोई पुलिस वाले की ड्यूटी है क्या बॉर्डर पर, जहाँ पर बोट से सामान आता जाता है? हाँ है, दो पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ बीच पे बंकरों के पास है। अपने उन पुलिस वालों को पूछ, उन्होंने मेरे किसी आदमी को पकड़ा है, उसका नाम जोकर है, वो बोट से आया था। अच्छा और ये जानकारी मैं तेरे को दूंगा क्यों, बताना जरा। क्योंकि ये काम पुलिस का है। तुमको हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस अपने आप देख लेगी, तुम जाओ वहाँ से और हमको हमारी ड्यूटी करने दो। अच्छा जल्दी मुलाकात होगी इंस्पेक्टर समुराई। ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ में है, कुछ कांड तो ये करेगा ही, वहाँ पर उन पुलिस वालों के पास जाकर देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, कहीं उनको भी यूजी खिलाकर अपना काम ना करवा लेगी। ये साला समुराई तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गया, क्या करूं यार, अगर पुलिस ने जोकर को पकड़ लिया होगा तो हमारे हथियार भी नहीं मिल पाएंगे और हथियार ना आए ना तो हमारी गोपी को देगी फिर। बॉस से मिलकर कुछ हल निकालना पड़ेगा हथियारों का और इस समुराई का भी। हेलो किंग भाई। अरे जोकर कहाँ यार तू, कल से 10 बार तेरे को फोन कर चुका हूँ, ना तो तू फोन उठा रहा है ना ही हथियार पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है तू? ये शुक्र मनाओ कि मैं बच गया, पुलिस वालों ने तो पकड़ ही लिया था मेरे को, साथ में मेरा एक चेला भी था उसको भी मार दिया उन्होंने। अरे क्या बात कर रहा है, पुलिस को कालादी गैंगस्टर का नाम नहीं लिया क्या तूने? कालादी गैंगस्टर के तो दुश्मन थे वो, ये बात बोलते ही उन्होंने मुझ पे भी गन तान दी थी, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ उनसे। कोई नहीं पुलिस स्टेशन गया है काला, वो देख लेगा उनको, पर अब तो ये बता कि हथियार कब लेकर आएगा हमारे लिए, अर्जेंट नीड है यार हमको हथियारों की। अरे टेंशन मत लो मेरे होते हुए,
आप क्या हथियार आज में पहुंच जाएंगे। बस मैं आ ही रहा हूँ दोबारा हथियार लेकर। दोबारा मतलब पहले वाले हथियारों को क्या हुआ? अरे बताया तो अभी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था मेरे को, उन्होंने हथियार भी पकड़ लिए मेरे, अब दोबारा लेकर आया हूँ वीकेंडी से। अच्छा कितनी देर में आएगा फिर तू? बंदे लगे हुए हैं बोट से यूएसएड में हथियार डाल रहे हैं, अभी यूएसएड में भर के आते हैं। ठीक है भाई आजा जल्दी। टेरर भाई आपने उस जोकर से डील तो कर ली, पर आपको नहीं लगता वो जोकर कुछ ज्यादा ही सियाणा है? कहीं वो हमें ही धोखा ना दे दे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा वो, कोई उसी का लालच जो दे दिया है, और उसने खुद ही कहा था मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। कहा तो था पर फिर भी मुझे तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आपका प्लान पूरा करेगा, कहीं अपने 4 लाख यूसी भी वेस्ट ना हो जाए और काम भी ना बने। अरे जो होगा देखा जाएगा, पर मेरे दिमाग में तो ये टेंशन हो रही है जिन नशेड़ी पुलिस वालों की ड्रेस हमने चोरी की थी उनका क्या हो रहा होगा गन्ना चूस के। होना क्या था, पुलिस स्टेशन भाग गए होंगे वापस और बता दिया होगा हमने जो जो किया उनके साथ। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हमारी दुश्मनी पुलिस से हो जाएगी और वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अरे बॉस आप तो मुझे वही छोड़ आए, भूल गए थे क्या मुझको? अरे हाँ यार टेरर भाई ये था ना वहाँ पर उन पर नजर रखने के लिए, इसको तो मैं भूल ही गया था। सही हुआ तू आ गया, उन दोनों पुलिस वालों का क्या हुआ, वापस पुलिस स्टेशन तो ना भगा दिया तूने वो? अरे नहीं नहीं बॉस इतना बेवकूफ नहीं हूँ, वो पुलिस स्टेशन जाते तो अपने लिए खतरा बनते, इसलिए मैंने उन दोनों को ऊपर ही पहुँचा दिया, वैसे भी अपना काम हो ही गया था और सबूत मिटाना तो अपने लिए अच्छा है। वाह मान गए तेरे को, बड़ा आदमी बनेगा तू एक दिन, बहुत बढ़िया काम किया है, जाकर ऐश कर। जी बॉस। अब सारी टेंशन खत्म हो गई भाई, बस वो जोकर अपना काम कर दे फिर अपने प्लान पर काम शुरू कर देंगे। हाँ सही हो गई अब सब चीज, अभी तो बस जोकर का ही वेट है गन्ना चूस के। अरे बॉस मैं पुलिस स्टेशन गया था पर काम तो ना बन पाया। तूने सही किया यहाँ आ गया, मैं अभी फोन करने ही वाला था तेरे को। क्यों क्या हो गया बॉस? अरे अच्छी खबर है, उस जोकर का फोन आया था अभी, वो बता रहा था उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उसने पीछा छुड़ा कर आ गया, अब वो अपने हथियार आज बोल रहा था। चलो एक काम तो सही हुआ, नहीं तो अपनी किस्मत ही खराब चल रही है। अरे वो वैसे पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, तूने पूछा नहीं क्या हमारे बंधु को क्यों पकड़ा? अरे क्या बताऊं बॉस, उस पुलिस स्टेशन में अब एक नया इंस्पेक्टर आ गया है जिसके साथ मेरी बनती ही नहीं है, पहले लड़ाई हो चुकी है हमारी। अबे साले तेरी तो इरेंगल के हर एक प्राणी से लड़ाई हो रखी है जो हमें सबसे ज्यादा मुसीबत में डाल रही है। क्या करूँ बॉस आपसे ही सीखा है ये सब। चलो बॉस मैं चलता हूँ, आप तो हथियार पहुँचा देना। ठीक है मैं देखता हूँ, जा तू। मेरे को कुछ काम है बॉस, फिर मिलेंगे। अपने घर हथियार रखना ठीक नहीं, दूसरी जगह डिलीवरी लेंगे, वही चला जाता हूँ और उसको एड्रेस व्हाट्सएप कर देता हूँ, वही आ जाएगा। अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद मिरामर वाली एक्स थी ना, वो यहाँ क्या करेगी, छोड़ो काम पे फोकस करो। कितना तड़पाया बे जोकर तूने हथियारों के लिए, फाइनली तू आ ही गया, बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई है। ये शुक्र मनाओ मैं आ गया,
वरना दो दिन बाद आपकी और उस कालज गैंगस्टर की अर्थी उड़ जाती। क्या मतलब क्या है ये वो तेरा ये? मतलब सीधा सीधा है, जिन पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ा था ना, वो असली पुलिस वाले नहीं थे। वो दोनों भी अपनी तरह गुंडे थे जो कालज गैंगस्टर को मारना चाहते थे। क्या कौन थे वो साले बता? जोकर हर काम की एक कीमत रखता है, पैसा दो नाम लो। अगर मैं ना कहूँ तो? तो अपने हथियारों की डील पूरी करो और मैं चलता हूँ। बता कितनी यूसी चाहिए और क्या प्लान है उनके, सारी डिटेल्स बता। भाई यूसी लगेंगे पूरे 20 लाख, आप दोनों की जान बचा रहा हूँ, 10 लाख आपके और 10 लाख काला दी गैंगस्टर के। अरे मिल जाएंगे 20 लाख, बता सब कुछ क्या क्या हुआ। तो सुनो फिर, जिसने मेरे को पकड़ा था वो गब्बर और टेरर थे, उन्होंने पता लगाया कि आपके हथियार खत्म है और खुद पुलिस वाले बनकर मेरे को पकड़ लिया, मेरे को मारने की धमकी दी और बोला अगर जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करेगा तो मार देंगे, और अगर जैसा हम बोलते हैं वैसा करेगा तो बहुत यूसी देंगे। अच्छा क्या प्लान बनाया उन्होंने, बता तो जरा। खुद ही सुन लो। सुनो तुमको क्या करना है, ये बड़े हथियार हमें दे दो और तुम किंग के लिए नए हथियार लेकर आओ जो ज्यादा देर तक फाइट में ना टिक पाए या जिसमें थोड़ी गोलियां चढ़े, फिर वो गन खराब हो जाए वरना चूस के। इससे हम काले पे हमला करके उसको हरा देंगे और इरेंगल पर कब्जा कर लेंगे। तुमको करना बस ये है, उनको खराब हथियारों की डिलीवरी देनी है, करना चूस के। फिर मैंने यूसी ली उनसे और चला गया, वो तो अपनी पुरानी आ रही है इसलिए आपके पास आ गया और ये सब बता दिया। अच्छा तो वो हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं, चलो इसी गेम से उनका गेम बजाएंगे। अब हो जाओ रेडी, तो तू भूल जा हमारी कुछ भी बात हुई है और जो मैं कहूँ ना वैसा ही करना। समझ गया, जो आपने कहा हो जाएगा, मेरे 20 लाख यूसी पहुँचा देना अकाउंट में। हो जाएगा, तू अपना काम कर। इसे कहते हैं डबल क्रॉस करना, दोनों से यूसी कमा लिए, अब अपने वीकेंड ही जाकर ऐश करूंगा। क्या लगता है आप किंग ने क्या प्लान बनाया होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताना, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम देख ही लेंगे। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी टारगेट 3 लाख व्यूज का और 30K लाइक्स का है। आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे वीडियो को शेयर करके और ये टारगेट पूरा करके, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो हमारे सेकंड चैनल पे आएगा ग्लोक 2.0 पे, जाके उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर।